संत कबीर नगर में पासपोर्ट की रिपोर्ट में थानों की रिपोर्ट को बदलकर पासपोर्ट क्लियर करवाने के मामले में एलआईयू में कार्यरत हेड कांस्टेबल समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में वांछित आरोपी उप निरीक्षक कामेश्वर मिश्र फरार है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्र द्वारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पाई गई अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें पासपोर्ट सेल में नियुक्त उप निरीक्षक कामेश्वर मिश्र और एलआईयू में नियुक्त मनोज पटोल द्वारा 101 पासपोर्टों के वेरिफिकेशन में नियम विरुद्ध और विधि विरुद्ध धनालाभ करने के पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं। उपरोक्त जांच के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एसपी ने बताया है कि उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में दोनों आरोपियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच स्थापित कर दी गई है। पासपोर्ट सेल में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रारंभिक जांच एक गैजेटेड ऑफिसर से कराई गई। प्रारंभिक जांच के उपरांत जो तथ्य सामने आए, 2021-2022 वर्ष में कुल 101 पारपत्र यानी पासपोर्ट का सत्यापन बिल्कुल नियम विरुद्ध एवं विधि विरुद्ध तरीके से किया गया। उसमें से जो थाने से जो सत्यापन आंखें आती थी उसको भी चेंज किया गया। इसमें एक प्राइवेट व्यक्ति वीरेंद्र यादव, इसके द्वारा पैसे का लालच देकर पासपोर्ट सेल के प्रभारी कामेश्वर मिश्रा, एसआई कामेश्वर मिश्रा, एलआईयू के हेड कांस्टेबल मनोज पटेल, इन तीनों लोगों ने मिलकर ये सारी गड़बड़ी की।